देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर चीज के लिए ऑनलाइन निर्भर हो चुके हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में वक्त ना मिल पाना, या फिर आलसी हो जाना, या फिर सुविधाओं का लाभ उठाना। और अगर आपको बैठे बिठाए लजीज खाने का स्वाद चखने के लिए मिल जाए तो ये तो हो गई ना सोने पर सुहागे वाली बात। आप भी घर बैठे बैठे या ऑफिस में कई बार जोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते होंगे। जी हाँ, आप समझ गए ना, आज हम बात कर रहे हैं फूड ऐप जोमैटो की। दरअसल फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये पहला मौका है जब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। कंपनी की स्थापना 15 साल पहले 2018 में हुई थी। इसे लेकर एक यूजर ने एक्स पोस्ट में मजाक में लिखा कि 2 करोड़ मुझसे ले लेता भाई, इतना घर घर जाकर खाना डिलीवर करने की क्या जरूरत थी। इस पोस्ट पर कंपनी के फाउंडर और सीईओ ने लिखा, ट्वीट ऑफ द डे। हंसते हंसते लोटपोट वाले विजय भी इसमें देखे गए। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दीपेंद्र को बधाई भी दी है। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि इनक्रेडिबल एफर्ट्स की तारीफ। इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी कंपनी को बधाई दी है। सभी निवेशकों और स्टार्टअप के लिए अच्छा संकेत। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जोमैटो को बधाई देते हुए लिखा, ये सभी निवेशकों और स्टार्टअप के लिए एक अच्छा संकेत है। रेवेन्यू 71% से बढ़कर 2,416 करोड़ रहा। जोमैटो ने गुरुवार को Q1 FY24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। जून तिमाही में कंपनी को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले Q1 FY23 में कंपनी को 186 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस तिमाही में कंपनी का सालाना आधार पर रेवेन्यू 71% बढ़कर 2,416 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल रेवेन्यू 1,414 करोड़ रुपए था। जोमैटो के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी। जोमैटो के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी प्रॉफिटेबल नतीजे आने के बाद जोमैटो के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। वाकई वो कहते हैं ना, मेहनत करते जा, फल की चिंता मत कर। आखिरकार जोमैटो को जिस प्रॉफिट की दरकार थी वो प्रॉफिट जोमैटो को मिल गया है।